अभी यार एक तो नया प्रॉब्लम आया है यार, हम 4 नंबर मोटर हमारा चल नहीं रहा है। ये तो इसका चेंबर है, इधर से लूप होते हुए ये टॉप में गया है, ठीक है। और ये है 4 नंबर ईयर हम, ये देखिए इसका बटन कोई काम नहीं कर रहा है। ये देखिए मैनुअली में रखा है, 2 नंबर मेरा मैनुअली है, 1 नंबर में सिलेक्टर स्विच ऑटो में है, तो अभी मैनुअली में है, इधर से चलना चाहिए। ये देखिए कुछ काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ये कुछ काम नहीं कर रहा है। ये 4 नंबर का इसका फॉल्ट समझ में आया, अभी लोग चेक किया इसको, ये इसका प्रॉब्लम ये है, अभी दिखाते हैं प्रॉब्लम पता चल जाएगा। अभी मेरा जो 11-12 है मैं उसको शॉर्ट करेंगे तो चलने लगेगा, ठीक है। ये रैम का ये दोनों फीडबैक है, ये दो को फीडबैक है, ये कंट्रोल पावर है, और ये इसको हम 6-7 में थोड़ा सेट करेंगे। ये देखिए ये शॉर्ट कर दिया, इधर पिकअप हो गया लेकिन होल्ड नहीं हो रहा, जैसे मैं छोड़ दूंगा, छोड़ देने से ये अपने आप बंद हो जाएगा। ये देखिए ठेका के रखने से चलेगा, इसको होल्ड के लिए जो जा रहा है कॉमन, वो हो सकता है जेबी में कॉन्टैक्ट ढीला होगा, ठीक है, उसको थोड़ा सा ये कर देंगे तो ठीक हो जाएगा, टाइट कर देंगे तो। अभी देखिए ठेका रहा है 6-7, ये देखिए ठीक है, ये देखिए वो छोड़ देने से ही बंद हो जाएगा। ये देखिए 6-7 में हम शॉर्ट किया है इसलिए चल रहा है, लेकिन रुकना चाहिए, रुकता नहीं है, इसलिए नहीं रुकता है वो जेबी में। इधर से जो होल्डिंग के लिए सप्लाई जा रहा है मेरा NONC का, जो बीच में जो सप्लाई एक्ट भेजते हैं होल्डिंग के लिए, वो वाला सप्लाई उधर, हो सकता है जेबी का अंदर में कुछ प्रॉब्लम है। मैं अभी ऊपर में जाएंगे, देखेंगे पेट्री के लिए क्या प्रॉब्लम हुआ, तो चलिए देखते हैं टॉप में चलते हैं एक बार। तरह था जो 4 नंबर का ईयरम मोटर नहीं चल रहा है, इसका फॉल्ट निकल गया अभी। ये जो उस बटन है ना, ये जो NC रहता है हमारा स्टॉप के लिए, ये कोई पुश करके रख दिया था, कैसे रख दिया था ना, इस पोजीशन में रख दिया था, ये NO हो गया था, ठीक है, इसलिए नहीं चल रहा था। अभी देखिए मोटर चल रहा है, वो पैनल से उधर ऑटो से भी चलेगा, पुश बटन से चल रहा है, इधर अभी बुल रहा है। अभी इसको स्टॉप कर रहा हूँ, ये देखिए ठीक है, इसका जो पुश बटन है ये देखो तोड़ दिया है, तोड़ के इसको निकाल दिया है, तो भैया भाई लोग काम करता है इधर, देखिए ना बहुत सारा आदमी काम कर रहा है, ये निकल गया है, ठीक है। ये पुश बटन ये दोबारा और लगेगा नहीं, इसका जो घाट है वो टूट गया है, अब ऐसे इसको चलाना पड़ेगा। अभी चलने से मतलब है, ये देखिए, ये देखिए मोटर को चल रहा है, ये 4 नंबर ये रम है, वो देखिए उधर से उधर लास्ट वाला 7, 6, 5 ये है 4, और इधर से हो जाएगा 3, 2, 1, ठीक है। अभी देखिए इधर से चल रहा है, अब उसको ऑटो में रख देंगे, वो रिले किट के जरिए चलेगा, अब इसको ऑफ कर देते हैं, ठीक है। बस इतना सा प्रॉब्लम था, उसके चलते मोटर नहीं रन हो रहा था। तो दोस्तों कनेक्शन मेरा सब सही है, कोई दिक्कत नहीं था, यही है कि इसको तोड़ दिया है कोई भाई लोग, ठीक है। तो दोस्तों इसका सोल्यूशन हो गया, ईयरम भी अब रोटेट करेगा, कोई टेंशन नहीं है, तो देखते रहिए। तो टॉप में अभी गया था मैं, तो वीडियो देखा है आपको, जे पुश बटन का जो NC वाला जो पॉइंट है उसको तोड़ दिया गया, कोई वो NO हो के रह गया था, इसलिए मेरा इधर से होल्डिंग नहीं आ रहा था, पास नहीं हो रहा था, ठीक है, ताकि वो NC रहना जरूरी है, तभी जाके होल्डिंग काम करेगा।
अभी देखिए उसको बना के आ गए हैं हम लोग, ओके हो गया। अभी देखिए इधर से भी चलेगा, ये 4 नंबर का दिखाया था ना आपको एआरएम को, अभी देखिए ये मैन वाली में रखा है, ये देखिए चल रहा है, ठीक है, ये ओके हो गया। अभी इसको ऑटो मोड में डाल देंगे, ठीक है, वो अपने आप रैपिंग में चलते रहेगा, जो ऑटो रैपिंग है उसी से चलते रहेगा। तो दोस्तों ठीक है, मैं रख दिया था, अभी लिया है, ये इसका टाइमिंग होता है, अपने आप को फिर बंद होकर दूसरा चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है, वो अपने आप ऑफ हो जाएगा, फिर दूसरा में लग जाएगा, फिर दूसरा चलेगा, वो भी कुछ देर चलेगा, वो 4 सेकंड 5 सेकंड ऐसे करके चलता है, सेकंड नहीं सॉरी, वो 2-3 मिनट करके चलता है, उसका इधर जो सिस्टम में प्रोग्राम किया हुआ है ना उसी के हिसाब से चलता है। मैं दिखाता हूँ, ये जो रिले दिख रहा है ना वो एक्टिव होता है ये वाला, अभी देखिए 2 नंबर ये देखिए, वो 4 नंबर अभी चला गया, ठीक है, 4 नंबर अभी चला गया, अभी 5 नंबर में लगा है, ये देखिए इधर रिले भी 5 नंबर पिकअप हो गया। ये एआरएम का चैम्बर है, ये सीआरएम का है, ठीक है, यहाँ से सीआरएम 7 को है, यहाँ से एआरएम 7 को और एक जी डी आर एम है जो गेट वाला है। अभी देखिए 2 नंबर वाला क्या 5 नंबर वाला पिकअप में है, ये देखिए हरा वाला लाइट जल रहा है, ये वाला हटाते हैं, ये देखिए ये जो हरा वाला रिले का पास चल रहा है 5 नंबर में, ठीक है, ऐसे ही चलते रहता है, इसको आदमी का ज़रूरत नहीं पड़ता, अपने आप चलते रहता है।